वही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर दीपक बैज ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि अमित शाह को पता चल गया है कि छत्तीसगढ़ हाथों से निकल रहा है, इसलिए लगातार छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं। अमित शाह जी और प्रधानमंत्री लगातार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, उनको पता चल चुका है कि छत्तीसगढ़ में 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी के हाथों से निकल रही है, फिसल रही है, इसलिए पूरी तरह से डरे हुए इसलिए लगातार आ रहे हैं, लेकिन आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। इसके साथ ही मंगलसूत्र पर सियासत उप मुख्यमंत्री अरुण साव के बयान पर भी दीपक बैज ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि देश की माता बहनों की चिंता कांग्रेस पार्टी ने की, कांग्रेस की जब सरकार थी तब की है, कांग्रेस ने माता बहनों के मंगलसूत्र बचाए हैं। देश की माता बहनों की चिंता कांग्रेस पार्टी ने की है, कांग्रेस की सरकार थी तब की है, बल्कि कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस पार्टी देश की माता बहनों के मंगलसूत्र बचाने का काम की है।